हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं हाउ टू ड्राइव बाइक, बाइक कैसे चलाएं, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि बुलेट तो आपने चलाना सिखा दिया, बाइक और चलाना सिखाएं, हमें तो बाइक भी चलानी नहीं आती। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लगा रहा हूं कि आपको बाइक बिल्कुल नहीं चलानी आती। और बाइक चलाने से पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले साइकिल चलाना ज़रूर सीखें, क्योंकि साइकिल चलाना आपको आना चाहिए अगर आपको बाइक चलानी सीखनी है। तो ये इंडिया की पॉपुलर बाइक है स्प्लेंडर, इसके ऊपर ही मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इसकी किक से, इस तरफ इसमें यहां पे किक होती है, हालांकि इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट भी आता है, आप ये बटन दबाओगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे इस तरफ ब्रेक होता है, ये ब्रेक है राइट लेग की तरफ आपका, ठीक है, ये किक है, ओके। और यहाँ पर अगर हम इस तरफ की बात करें तो इस तरफ इसके अंदर गियर होता है, ठीक है। जो हीरो की बाइक्स होती हैं, पहले ये हीरो होंडा आता था, तो जो हीरो की बाइक्स होती हैं उनके अंदर गियर जो हैं वो पीछे की तरफ लगते हैं, ठीक है, चार गियर में आती है बाइक, ठीक है। तो आपको पहले पीछे की तरफ इसके अंदर गियर लगाने हैं, 1 2 3 4, चारों गियर इसमें पीछे लगेंगे, और उन गियरों को निकालना है तो आगे निकलेंगे, फोर्थ में है तो थर्ड सेकेंड फर्स्ट न्यूट्रल पर हो जाएगी फिर, ठीक है। पहला गियर न्यूट्रल में मान लो बाइक, तो पहला गियर पीछे लगेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। और निकालने हैं तो आगे निकालोगे आप, चौथे में अब इसको आगे दबा दोगे तीसरे पे चला जाएगा, फिर दूसरे पे चला जाएगा, फिर पहले पे चला जाएगा, और न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है कोई गियर नहीं है बाइक के अंदर, ठीक है। जब आपको बाइक चलानी है तो पहले न्यूट्रल के अंदर करना ज़रूरी है। जैसे अब बाइक न्यूट्रल के अंदर है तो हम इसकी चाबी जब ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखो न्यूट्रल की बत्ती चस रही है, इसका मतलब ये है कि ये बाइक अब न्यूट्रल में, इसमें कोई गियर नहीं डला हुआ, अब आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बाइक चलाने से पहले उसको पहले न्यूट्रल में आपने ज़रूर करना है। स्टार्ट ये यहाँ से होती है, सेल्फ स्टार्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, और यहाँ पे नीचे किक स्टार्ट, आप किक मार के भी यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन पहले बाइक न्यूट्रल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़े से जो स्विचेज होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ मैं। वैसे i3 ऐसे टॉप मॉडल है ये, इसके अंदर ये स्विच होता है, ठीक है। अगर आप 3 सेकेंड तक आपकी बाइक का जो न्यूट्रल में खड़ी है तो इंजन ऑफ हो जाता है, वो फीचर है, वो आपको दूसरी बाइक्स में नहीं देखने को मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट होता है, ठीक है। इधर आपका यो जो ऊपर नीचे आपने हेडलाइट करनी है, हेडलाइट बीम एडजस्टर होता है, इसको दबाने से लाइट ऊपर हो जाती है, अदरवाइज लाइट नीचे रहती है रोड पे, ठीक है। ये हॉर इंडिकेटर के लिए है, यहाँ पे इस तरफ करेंगे तो राइट इंडिकेटर चश्मे लग जाएगा, इसको इस तरफ करेंगे हम तो लेफ्ट इंडिकेटर चश्मे लग जाएगा। देखिए जैसे मैं इधर चलाता हूँ तो इंडिकेटर चश्मे लग गया, आपको जिस तरफ टर्न लेना है, अगर आपको इस तरफ टर्न लेना है तो इस तरफ से ये वाला इंडिकेटर चसा दें आप, ये इंडिकेटर के लिए होता है, नीचे हॉर्न होता है। पहले यहाँ पे पुरानी बाइक होती है उनके अंदर आपको लाइट ऑन ऑफ का भी स्विच मिलेगा, ये BS4 है, और BS6 के अंदर भी लाइट ऑन ऑफ का स्विच नहीं आ रहा है, ठीक है। टॉप स्पीड इसकी 140 की है, लेकिन ये भागती 100 पे ही है बड़ी मुश्किल से, ठीक है। यहाँ पे ये ऑयल का है, इसके अंदर कितना तेल होता है, अब जैसे इसके अंदर हाफ टैंक है तो ये हाफ दिखा रहा है, ठीक है, बिल्कुल कम होने को हो जाएगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये है लाइट, लाइट ऑन ऑफ होगी तो ये बत्ती चसेगी, लाइट ऑन होगी तो, ठीक है। इस तरफ और मैं आपको बता देता हूँ, ये है ऑयल के लिए, जैसे अब ये बाइक ऑन में है, ठीक है, अगर आप इसको इस तरफ कर दोगे तो ये बाइक ऑफ हो जाएगा ऑयल, जैसे अब ऑयल ऑफ हो गया, तेल बंद हो गया अब इसका, और अगर आप इसको नीचे कर देंगे तो अब ये रिजर्व में लग गई, मतलब ऑयल कम होगा तो ये नीचे करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आपकी बाइक यहाँ पे थी, आपने ऑयल डलवाया, फिर बाइक आपकी चलनी बंद हो गई, धीरे धीरे करने लगी, तो इसको आपने नीचे कर देना है, क्या है कि 1 लीटर ऑयल होने से पहले ही बता देता है कि इसके अंदर अब ऑयल कम है, और मीटर में भी आपको दिख जाएगा, तो ये रिजर्व होता है, रिजर्व का मतलब होता है तेल कम है बाइक के अंदर, तेल डलवा लो आप, ठीक है। तो अभी मैं इसको, इसके अंदर अच्छा खासा तेल है तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको चलाएं कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले आपने बाइक को चेक करना है कि ये ऑन करना है, न्यूट्रल है या नहीं, अगर ये न्यूट्रल नहीं है तो पहले आपने इसने जो गियर से इसकी गियर आगे की तरफ निकलते हैं, आपने गियर निकाल देने, उसको न्यूट्रल कर लेना है, फिर इसके बाद इस पर आपने बैठना है। सेल्फ स्टार्ट है तो आप सेल्फ दबा सकते हैं, किक स्टार्ट है तो आप किक लगाएं, जैसे ये ऑन की हमने से अभी न्यूट्रल है, अब इसका आप सेल्फ दबाएंगे, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गई है, जैसे अब न्यूट्रल है तो इस तरफ ब्रेक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये हाथ में आगे ब्रेक होती है, ये रह गया था, ये ब्रेक है और इस तरफ वाली क्लच है, तो जब भी आपने गियर लगाना है क्लच दबा के लगाना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें रह गई थी, ये आगे की ब्रेक होती है राइट की तरफ दोनों, ये आगे की ब्रेक और पाँव में
पीछे की ब्रेक राइट की तरफ, ठीक है, उस तरफ गियर होता है और ये हाथ में क्लच होती है, इसको दबा के ही आपने गियर लगाना है। मैं आपको दिखाता हूँ गियर कैसे लगेगा। तो पहले हम दबाएंगे क्लच, ये क्लच दबाई, ठीक है, और ये हम पीछे की तरफ गियर लगाएंगे, जैसे पहला गियर लग गया। अब इसको हमने धीरे धीरे क्लच ने छोड़ना है, धीरे धीरे से क्लच को छोड़ना है और धीरे धीरे रेस देनी है, थोड़ा थोड़ा एक्सीलरेट करना है, बाइक सरकने लग जाएगी। देखो ये सरकने लग गई, ठीक है। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ कैसे स्टार्ट करना है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट आपको आ गया, फिर तो आप चलाने ही लग जाओगे। ऐसे न्यूट्रल कर ली हमने आगे से निकाल के, देखो फिर से न्यूट्रल हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्लच दबानी है, फिर पीछे की तरफ गियर लगाना है। ये गियर लगाया, पहला गियर लग गया। अब हमने थोड़ी थोड़ा रेस देनी है इसकी, जो कि उस तरफ रेस होती है, ये रेस है, ठीक है, और इधर कुछ नहीं होता है, ये खाली होता है। तो राइट तरफ से हमने थोड़ी थोड़ी रेस देनी है और फिर क्लच को भी थोड़ा थोड़ा छोड़ना है। फिर से बताता हूँ मैं आपको, थोड़ी थोड़ी आपने रेस देनी है, हल्की हल्की, और धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे थोड़ी थोड़ी रेस दी और ये क्लच छोड़ दी, छोड़ते गए, और अब धीरे धीरे पूरी क्लच आपने छोड़ देनी है, ठीक है। फिर आपने सेकंड गियर लगाना है, ये पीछे की तरफ गियर लगाया, फिर आपने चलते जाना है, ठीक है, इस तरह से चलेगी। तो इस तरह से बाइक चलती है सिंपली। आपने इसके अंदर क्लच दबाना है, फिर गियर लगाना है पहला, फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है और थोड़ा थोड़ी रेस देनी है, बाइक चलेगी, इतना ही होता है सिंपल, ठीक है। फिर से मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा मैं आपको, ठीक है। अब मैं इसको पहले न्यूट्रल कर लेते हैं, जैसे अभी बाइक न्यूट्रल है, ठीक है। फिर से हमने इसके अंदर गियर लगाना है, जैसे गियर पहले क्लच दबाई, ठीक है, ये हमने क्लच दबा दी। अब हम पीछे की तरफ गियर लगाएंगे, पहला गियर पीछे की तरफ लगता है, ठीक है, और फिर से हमने धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है और धीरे धीरे एक्सीलरेट करना है। धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे, धीरे धीरे एक्सीलरेट करेंगे, बाइक चलने लग जाएगी, ठीक है। बंद हो जाती है तो आप फिर से बाइक को, जैसे बंद हो गई है, ठीक है, फिर से आपने इसको आगे की तरफ गियर निकाल के न्यूट्रल कर लेना, जैसे हमने आगे की तरफ गियर निकाल न्यूट्रल कर दिया, फिर से आप सेल्फ स्टार्ट करो, ठीक है, फिर से क्लच दबाओ, फिर से पीछे की तरफ गियर लगाओ, ठीक है, और फिर से धीरे धीरे क्लच को छोड़ो और थोड़ी थोड़ी एक्सीलरेट करो, जैसे धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहे हैं यहाँ पे और एक्सीलरेट कर रहे हैं यहाँ पे, धीरे 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 आपने क्लच को छोड़ना है, एक्सीलरेट करना है, ठीक है। फिर आपने सेकंड गियर लगा लेना क्लच दबा के पीछे की तरफ, फिर रेस देनी है और क्लच को छोड़ते हुए चलना है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हीरो की बाइक्स जो होती हैं उनके अंदर चार गियर होते हैं, आप पीछे की तरफ गियर लगेंगे सारे, आगे की तरफ निकलते हैं। अब यहाँ पर बाइक आ जाती है, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और जो मोस्टली बजाज है उसके अंदर आगे की तरफ गियर लगते हैं, पीछे की तरफ गियर निकलते हैं, उसमें उल्टा होता है, तेल का भी उसके अंदर उल्टा होता है, ऊपर की तरफ उसमें जो रिजर्व होता है, नीचे की तरफ उसमें मेन होता है, ऑयल का भी उसके अंदर उल्टा है और गियर का भी उसके अंदर उल्टा है, ठीक है। गियर का मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बंद कर दे इसको एक बार। तो गियर का मैं आपको फिर से बता देता हूँ, तो जो गियर है इसमें क्या करना है, मैं थोड़ा कैमरे की लाइट इंक्रीज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गियर में क्या होता है, आपको क्लच दबानी है और पीछे की तरफ लगाना है, ठीक है। पहला गियर ऐसे लगेगा, फिर क्लच दबाओगे आप, फिर से सेकंड गियर पीछे की तरफ लगेगा, फिर क्लच दबा के लगाओगे, फिर तीसरा गियर लगेगा, फिर क्लच दबा के लगाओगे, फिर चौथा गियर लगेगा, ऐसे चार गियर लग गए, ठीक है। फिर आपने क्लच दबानी निकालना है तो आगे की तरफ तीसरे गियर में हो गई अब, ठीक है, फिर दूसरे में हो गई, फिर पहले पे हो गई, और फिर ये न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रल में आपने स्टार्ट करनी है बाइक को फर्स्ट गियर से, फिर धीरे धीरे सेकंड गियर लगाना है, आपकी स्पीड 20 से ऊपर चली जाए, फिर आपकी स्पीड जब 30 से ऊपर चली जाए तो आपने थर्ड गियर लगाना है, फिर आपकी स्पीड जब 40 या 50 से ऊपर चली जाए तो आप फोर्थ गियर लगा सकते हो, या 40 के ऊपर भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से होता है नॉर्मली बाइक, मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ये फिर से आपको कंट्रोल बता देता हूँ मैं, ये इसके अंदर क्लच होती है, ठीक है, ये इसके अंदर आगे की ब्रेक होती है, ये आपका एक्सीलरेटर होता है, यानी कि रेस आप कह सकते हैं, ठीक है, और ये आपके सेल्फ स्टार्ट का बटन हो गया, ये आपके लाइट का बटन हो गया, ये आपके हॉर्न हो गया, जैसे यहाँ से प्रेस करेंगे तो इसके अंदर हॉर्न बजेगा, ठीक है। तो इस तरह से है, नॉर्मली बाइक में कुछ नहीं होता है। इससे पहले मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इससे पहले साइकिल को ज़रूर चलाना सीखें, फिर आप बाइक पर जाएँ। डायरेक्ट आप बाइक पर जाएंगे, सीख तो सकते हैं लेकिन आपको चोट लग सकती है, क्योंकि साइकिल वेट में हल्की होती है,
तो आप एटलीस्ट पहले साइकिल चलाना सीखें या स्कूटी तो चलाना सीख ही लें, उसके बाद स्कूटी चलाने वाला बाइक चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और फिर बुलेट वगैरह तो आप आगे चला ही सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आपको बाइक चलानी सिखानी थी स्टेप बाय स्टेप। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो मैं आपको दूसरी बाइक के साथ सिखा दूंगा, गियर का मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसके अंदर चारों गियर पीछे लगते हैं, ठीक है, और जो बजाज की बाइक्स होती हैं उनके अंदर गियर आगे लगते हैं, जो कि प्लेटिना हो गई या CT 100 हो गई या पल्स, ठीक है, इस तरह की जो बाइक्स होती हैं उनमें गियर आगे लगते हैं। जो बड़ी बाइकें होती हैं, स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, उनमें एक गियर आगे लगता है, बाकी गियर पीछे लगते हैं, उसमें बुलेट वाला हिसाब होता है। अगर आपको बुलेट भी चलाना सीखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने बुलेट बताया है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले आप बाइक सीखें फिर आप बुलेट चलाना सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।